अम्मा बात, ये नफरत बुरी है, ना मारो इसे, दिलों में खरीश है, निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डाइस पर तशरीफ फरमा साजदा करा, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान निजाम और अजीज सहेलियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन असातिज़ा कराम का जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ करने का मौका दिया। महतरम सामियात, अंग्रेज तिजारत की गर से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर और रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तूर कर दिया और यहाँ के सियाह और सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारकर जुल्मों पर करियत की ऐसी दास्तानें दोहराई, ऐसी हलाकत खेज और सफाकाना कार्रवाइयाँ की जिसे चंगेज और हलाकों की दास्तानें निर्माण कर गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कद्दोकार गिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी की फिजा नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा एक बार कभी मुल्ले खुशी से नमदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचे हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का रुख बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जान की नजराने पेश की, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके, बिलाखिर वो दिन आया कि उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनके सिपा सालारों के दांत खट्टे कर दिए, उनका इक्तदार हरफे गलत की तरह मिटा दिया। मुअज्जज़ सामईने किराम, आजादी से पहले हमारा दस्तूर आईन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर आईन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संग मिल साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने जुबे वतन को सवार सके। चुनांचे एक कमेटी तशकील दी गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जिसमें सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचे एक नया मसूदा तैयार किया गया तरमीम व तंसीब हज़्ब व इज़ाफ़े और गौरवखोज के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम 26 जनवरी कौमी त्यौहार की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं का तैयार करता और दस्तूर आइन की मसारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का इतराफ करते हैं कि आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे, नफरतों तासुओं की खेतियां जला देंगे, हम चार सौ मोहब्बत की बस्तियां बसा देंगे और जो देखते हैं हमें नफरत की निगाहों से हम उन्हें मोहब्बत का आईना दिखा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।